ग्वालियर दौरे पर आए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सोच पूरी तरह नकारात्मक है। बीजेपी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए पार्टी के वर्ग कार्यक्रम को अनुशासन सिखाने वाला बताया। कांग्रेस ने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके खिलाफ ऐसा बोलेंगे। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में और मैं आपके साथ सिमरन। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। बीजेपी सांसद सिंधिया अपनी पिछली पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, टेढ़ी उंगली कभी सीधी नहीं हो सकती। कांग्रेस जो कभी सकारात्मक नहीं सोच पाई उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? वो अपना रास्ता नापे, हम अपना रास्ता नापे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को ग्वालियर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार सुबह विकी फैक्ट्री चौराहा पर एक परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ ग्वालियर विकास की परिकल्पना विषय पर चर्चा की जाएगी। वहीं दोपहर को जयविलास पैलेस में प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेंगे और डॉक्टर सेमिनार में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर का मुआयना कर वे रात 7:45 पर ट्रेन से दिल्ली रवाना होंगे। तो ये थी हमारे इस वक्त की अपडेट और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।